हेलो एवरीवन, ज्ञान तुम्हें आप सबका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लॉक पार्ट वन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रियल टाइम टू मिरर टाइम के क्वेश्चन सॉल्व करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि वास्तविक समय 5:10 है तो उसका दर्पण समय क्या होगा। जैसे कि रियल टाइम 5:10 है तो इसका मिरर टाइम क्या निकल के आएगा, वो हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि इसको क्या करेंगे, 5:10 हो रहा था, इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 बजे से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 11:60 भी लिख सकते हैं। और इसको दूसरा तरीके से क्या लिख सकते हैं, 23:60। ये दो ऑप्शन है हमारे पास। 11:60 इसमें से किसको माइनस करेंगे, जो 11 से वैल्यू कम होगा। जैसे कि 5:10 11 से वैल्यू कम है, जिसको 11:60 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और 11 से वैल्यू जिसका ज़्यादा रहेगा तो इसको 23:60 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, 11:60 है, इसको माइनस कर लेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 6:50 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ रियल टाइम इज 8:00 देन व्हाट विल बी इट्स मिरर टाइम। ठीक है, 8:00 घड़ी में इसका मिरर टाइम क्या हो जाएगा, इसको कैसे निकालेंगे, 11:60 माइनस 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11:60 जाएगा तो 3:60 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि डी हमारा राइट आंसर है, 3:60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइम इन द क्लॉक इज 12:35 देन इट्स मिरर टाइम विल बी। क्या पूछा गया है, घड़ी में 12:35 हो रहे हैं, ठीक है, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, या मिरर टाइम या फिर मिरर इमेज इसका क्या बनेगा, 12:35 है, इसको 23:60 ले लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11:25 हमारा डी राइट आंसर है, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह है, क्या है, लुकिंग इनटू अ मिरर द क्लॉक शोज 12:30, मतलब 12:30 हो रहे घड़ी में, तो एक्चुअल टाइम इसका क्या होगा। इसमें क्या है, क्वेश्चन उसी तरह से होगा, सेम वही पैटर्न होगा, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग इसका दिया गया होगा, तो इसको देख के क्या करना है, घबराना नहीं है, और क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, जो कि एक मेथड दिया गया, 12:30 हो रहा है। इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 11:30 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ अ क्लॉक सो 2:50, मतलब 2:50 क्या है, सिर्फ वही क्वेश्चन है उसी तरीके से, लेकिन उसका अलग अलग टाइप में लिखा गया है, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। उसका क्या पूछा गया है, मिरर टाइम पूछा गया, 2:50। ठीक है, तो 11:60 में क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9:10 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ एक्चुअल टाइम इज 15:20 देन द मिरर टाइम विल बी। जैसे कि घड़ी में कितने बज रहे हैं, 15:20, 15:20 मतलब 3:20 हो सकता है, तो इसको क्या करना है, 23:60 ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को उसी तरह से माइनस कर लेंगे, 8:40 हो रहा है,
तो बी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन अ वॉच टाइम सोर्स इज 5:10 आवर्स देन इट्स मिरर टाइम विल बी 5:30 हो रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं, मतलब 5:30, तो इसका मिरर इमेज या फिर मिरर टाइम क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, इसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, लेकिन हम लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना। देखिए जैसे कि इसको क्या कर लिए, इसको माइनस कर लिए, यहाँ पे 6:30, ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगर हम इसको क्या करेंगे, 23:60, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी 12 बजे से ही माइनस करना है, इसमें भी 12 ही बजे, मतलब 12 बजे से ही माइनस करना है। जैसे कि हम इसको क्या कर लिए, इसको माइनस कर लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18, मतलब 18, मतलब क्या हो गया, 6:00 घड़ी में, तो 6:30 इसका आंसर, दोनों का आंसर सेम हो जाएगा, लेकिन हमें ऑप्शन में 6:30 दिया गया है, तो हमें 6:30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमें ऑप्शन में इस तरह से दिया गया है 12, 13, 14, इस तरह का ऑप्शन दिए जाएंगे, तो हमें इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, तो 18:30 हमारा अगर ऑप्शन में रहता तो वो हमारा राइट हो जाता, लेकिन 6:30 दिया गया है तो हमारा राइट आंसर हो जाता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। अ क्लॉक व्हेन सीन फ्रॉम द मिरर शो टाइम 16:40, व्हाट इज द रियल टाइम इन द क्लॉक, ठीक है, इसको भी माइनस कर लेंगे, इसको भी क्या करेंगे, उसी तरह से माइनस कर लेंगे। अगर हम इसको क्या करते, 11:60 से भी माइनस करते तो ये होता, हो ही जाता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, 16:40, तो ये हमें उल्टा हो जाता या फिर माइनस हो जाता, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से ही सॉल्व करेंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7:20, ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7:20 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इस तरह से क्या करना, आपको प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।